तो दोस्तों आपको मोटर वाइंडिंग का काम आता हो या नहीं आता हो, फिर भी आप अगर आपको मोटर वाइंडिंग का काम नहीं भी आता है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर के आप छत के पंखे खुद रिवाइंड कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपको जुगाड़ के माध्यम से आपको हाथ से पंखे किस प्रकार से रिवाइंड करते हैं इसकी पूरी जानकारी देंगे और आपको पंखा रिवाइंड भी करके बताएंगे इस वीडियो में, और इस पंखे को हम पे करके भी बताएंगे और इसको चालू करके भी बताएंगे। कभी भी वीडियो को कट नहीं करेंगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हो सकता है पंखा दूसरा स्ट्रेचर डाल दिया और आपको चालू करके बता दिया। नहीं दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यही ये हमारा जो स्ट्रेचर है इसको ही हम रिवाइंड करेंगे और इसको भी हम पैक करेंगे और उसके बाद में चालू करके हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर मोटर वाइंडिंग का काम भी नहीं आता है तो भी आप घर पे अपने पंखे खुद रिवाइंड कर सकते हो। तो पूरी जानकारी देंगे इसमें किस प्रकार से कोयले डालेंगी, तो इसमें हम किस तरह से लेयर डालेंगे, एक सीधी डालनी है एक उल्टी डालनी है, तो कैसे डालेंगे कितने टन डालेंगे, तो इसकी हम पूरी जानकारी देंगे। तो टन्स की बात कर लेते दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो हाथ की उंगली जितना है, तो मैं इसका MM साइज नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम देसी तरीके से इसका रिवाइंड कर रहे हैं। तो इसका हम उंगली साइज से माप लेते हैं, उंगली साइज जितना इसका स्ट्रेचर है। हर एक पंखे में स्ट्रेचर अलग अलग हिसाब से आते हैं, तो ये उंगली जितना स्ट्रेचर है। और इसके हम ये जो छेद की बात करें यानी स्लॉट की बात करें, आपको दिख रहे होंगे ये स्लॉट, स्लॉट की बात करें तो टोटल इसमें 12 स्लॉट है, यानी कि टोटल इसमें 12 स्टार्टिंग की वाइंडिंग डलेगी और 12 रनिंग की वाइंडिंग डलेगी। तो अब हम इसकी रनिंग या स्टार्टिंग की कोयल में टन्स की बात करें तो हम इसमें डालेंगे 350 टन्स, स्टार्टिंग में डालेंगे 350 टन्स और रनिंग में डालेंगे 390 टन्स, यानी कि 40 टन्स का हम फर्क देंगे। तो चलिए स्टार्ट करती है और आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से स्टार्ट करना है और इसमें आपको किस तरह से कोयले डालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी स्ट्रेचर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज में ऐसा हम लेदर का या फिर आप चाहो तो पीवीसी का भी शीट काट सकते हो। तो ऐसा हम एक लेदर का शीट काटेंगे लंबा ऐसा, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे नीचे वाले स्लॉट में देंगे, सबसे पहले नीचे वाले स्लॉट में देंगे और ऐसे हमें इनको सभी में इसी प्रकार से आपको डाल लेना है। आप चाहो तो इसमें पीवीसी भी दे सकते हो, आप चाहो तो इसमें 7 का पीवीसी दे सकते हो, आप किच चाहो तो आप इसमें 5 का पीवीसी भी दे सकते हो। तुम छेद की साइड से कोई से भी स्लॉट में हम डाल लेंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ से आटी लगा लेंगे क्योंकि इसको थोड़ा कनेक्शन के लिए बाहर निकालने के लिए चाहिए इसलिए, और इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। अब हम डालने का तरीका बताते हैं। तो आपको क्या करना, पहले आपको इधर की साइड चलना है, यानी कि सीधा हाथ की तरफ आपको चलाना है और टन आपको गिनते रहना है। जैसे ये हमारे 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, ये 7। अभी स्टार्टिंग है दोस्तों इसलिए हाथ की स्पीड नहीं आ रही, बाकी बाद में हाथ की स्पीड आ जाएगी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। Thank you.
ये हमारे 50 टोटल हमने इसमें 50 टन यानी 350 टन इसमें डाल दिए हमारे। अब हमने ये आटे इस तरह से दिए, ऐसे घुमा के और ऐसे दिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक आर उल्टा चलाएंगे। अब हमारा आटा इस तरह से आएगा आएगा दोस्तों, जैसे कि आपको बता देता हूँ, थोड़ा घुमा लेता हूँ पहला और इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं पेपर को। अब हमारा जो आटा आएगा वो ये इस तरफ से आ रहा था, अब हम आटा डालेंगे इस तरफ से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये 50 टोटल इसमें हमारी, इसमें भी 50 350 टन हो चुके हैं। तो हमने ये आटे इस तरह से दी, अब हम वापस इसमें आटे सीधे हाथ की तरफ देंगे। तो अब हम वापस सीधे हाथ की तरफ आटे देंगे यानी लेयर चलाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तरह से हमने ये एक सीधा हाथ चलाया, एक उल्टा हाथ चलाया, एक फिर से सीधा, अब फिर से हम उल्टा हाथ चलाएंगे। तो हमने यहाँ पर 350 सभी में टन्स ले रहे हैं, तो फिर से हमारा ये उल्टा हाथ, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इक्कीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस अड़तीस चालीस 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 तो इस तरह से हमारे इसमें भी 50 हो गए। तो ये सीधा ये उल्टा ये सीधा ये उल्टा, अब वापिस सीधा चलाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए इसमें सीधा सीधा दोनों साइड दोनों कोयलों में सीधा सीधा कभी ना डालें, क्योंकि सीधा डाल दोगे तो फिर आपकी पंखा चलेगा नहीं, तो आप उसमें एक सीधा और एक उल्टा ही डालना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ
हम उल्टा राउंड डाल देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस चालीस इकतालीस बयालीस तैयलीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस इकतालीस उनचास पचास इक्यावन छप्पन चौपन इकतालीस बयालीस तैयलीस चौवालीस और ये हमारे पैंतालीस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा तार को लंबा ले लेंगे और यहाँ से हम तार को तोड़ लेते हैं और अब इसमें हम 5 टन डबल वायर से डाल लेंगे, 5 या जितने आए जितने हैं, छियालीस सैतालीस अड़तालीस तो ये हमारे 49। एक टन से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये डबल वायर इधर भी कर लिया, या स्टार्टिंग में भी हमने डबल वायर कर लिया, अब जो हमारा एंड का वायर निकला इसमें भी हमारा ये डबल वायर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, यानी इनको जो हमारे पेपर डाले लेदर के हम इनको दोनों साइड बराबर कर लेंगे ताकि हमारा कोइल स्ट्रेचर पर टच ना हो और अर्थ नहीं होए हमारा पंखा। तो हम पहले इसको ठीक कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसको कैंची की सहायता से यहाँ से काट लेंगे और इनको हम पत्ती की सहायता से अंदर की तरफ दबा देंगे। इन सबको हम कैंची की सहायता से ऐसे काट लेते हैं। फिर भी आपको इसमें थोड़ी बहुत कोयले डाल के हम बताएंगे। तो हमने इस तरह से ये सारे पेपर दबा दिए, अब हम इसमें मेन वाइंडिंग डालेंगे। तो मेन वाइंडिंग के लिए भी हम पहले इसमें पेपर डाल लेते हैं। तो जो हमारे ऊपर वाले स्लॉट है इसमें हम इसी तरह से जैसे हम नीचे की तरफ पेपर डाले थे इसी तरह से हम इसमें भी ऊपर की तरफ भी इसी प्रकार से हम पेपर डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम यहां से हमारी मेन वाइंडिंग डालेंगे, तो इसमें हम डालेंगे 400 390 टन। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी यहां पर आके खत्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डालने का। तो हम सबसे पहले सीधा हाथ की तरफ चलाएंगे, इसको हम यहां पर अटका लेते हैं, इसको भी हमने तार को डबल कर लिया है और इसमें हम 400 390 टन डालेंगे। तो फटाफट हम टन डाल लेते हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैयलीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास इक्यावन बावन तिरपन चौपन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन साठ साठ इकसठ सठ चौसठ तिरसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ पचहत्तर तिहत्तर पचहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्यासी अस्सी इक्यासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी उनासी नब्बे इक्यानवे
94, 96, 97, 98, 99, 100। तो इस तरह से हमारी ये 100 टन कंप्लीट हो गई। अब हमको इसमें 290 टन और डालने हैं। 85, 86, 87, 88, 89, ये हमारे 90 टन हो गए। तो इस प्रकार से हमने ये सीधा हाथ डाल दिया। अब हमें उल्टी लेयर चलानी है, यानी उल्टे हाथ से लेयर डालनी है। हम इसमें डालेंगे एक, दो, तीन, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 57, 55, 56, 57, 85, 86, 87, 88, 89, 89 रह गए 90। यानी कि हमारे इसमें भी 90 टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वापस ये हमारी सीधी आटी लेंगे, यानी एक उल्टी लेयर होगी, एक सीधी होगी, एक उल्टी होगी, एक वापस अब सीधी डालेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और ये इस तरह से हमारे 90 कंप्लीट हो चुके हैं। अब वापिस उल्टी आती उल्टी ये हमारे 89 और ये 90। अब वापिस सीधा आ डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 90। अब वापिस उल्टा डालेंगे, यानी उल्टी लेयर डालेंगे। तो हम अभी डाल लेते एक, दो, पहले तार डालते समय आप पेपर को नीचे बिठा ले ताकि आपके पेपर जगह हो जाए स्लॉट में, तार अच्छी तरह से जाएंगे, नहीं तो फिर आप में स्लॉट पेपर ऊंचा रह जाएगा तो तार तार जाने की जगह नहीं रहेगी, फिर दिक्कत आएगी। तीन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 89, ये हमारे 90। अब वापिस सीधी सीधा हाथ की तरफ ले डालेंगे। तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अट्ठासी, 89 और ये हमारे 90। अब वापिस उल्टी लेयर डालेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, तो ये इस प्रकार से हमारे ये 90 हो गए। अब वापिस हम सीधी लेयर चलाएंगे। तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अट्ठासी, 89 और ये हमारे 90। अब वापिस हम उल्टी हाथ की लेयर डालेंगे, यानी उल्टा हाथ की तरफ चलाएंगे लेयर को। तो ये हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात,
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतीस तीस इकतीस चौबीस चालीस चालीस उनतालीस और ये हमारे 90। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगी। अब वापस सीधा हाथ की लेयर डालेंगे और उसके बाद में हमारी उल्टी हाथ की लेयर बचेगी इसी पे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 89 ये हमारे 90। अब हमारी उल्टे हाथ की लेयर बची, यानी एक कॉइल बची है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस तैतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैयलीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस उनतालीस उनपचास सिक्यासी अट्ठासी नवासी और ये हमारे इसमें डबल भी आटा डालना है अट्ठासी, तो इसको हम डबल कर लेते हैं यहां से। तो इस तरह से हमारी ये पूरी गोल होकर कंप्लीट होगी। अब हम जैसे हमने नीचे कैची की सहायता से काटे थे, इसी प्रकार से इधर भी हम काट लेंगे। तो इस तरह से हम इनको भी पत्ती की सहायता से दबा देंगे, इसको सारे को हम पहले एक बार दबा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे पीवीसी के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और इसको हम स्लॉट में जैसे हमने ऊपर रिप दबाई थी लेदर की, इसके ऊपर ऐसे ये टुकड़े लगा लेंगे ताकि हमारे पेपर जो हमने लेदर का पेपर लगाया था वो नीचे हमने आएगा नहीं, सभी में डाल लेंगे बारीक बारीक स्लॉट के अंदर हम इसी प्रकार से सभी में ऐसे डाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टार्टिंग कॉइल है और यहां पर हमारी एंड हुई है, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे ऐसी रिप डाल देंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। आप चाहो तो इसमें पूरी में रिप डाल सकते हो, यानी पूरी जितने भी है इन हर एक बीच के भी अगर आपसे डले तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं डले तो आप स्टार्टिंग में इस तरह से डाल दो और इसको इधर पार निकाल दो। इसी प्रकार से मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी इसी प्रकार से लगा देंगे, जो हमारे ये मेन वाइंडिंग हो जाएगी और ये हमारा जो ब्राउन कलर का है या कुछ अलग कलर का है ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग कर देंगे। तो हम फटाफट इसको छेद से बाहर निकाल लेते हैं, बाहर सभी को हम शॉर्ट कर लेते हैं और इसी प्रकार से हम इधर से डालेंगे और इनको हम छेद से बाहर निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इंसुलेशन को जला लेंगे, अब हम क्या करेंगे इसी हिसाब से ये नाप लेंगे स्लीव को और थोड़ी एक्स्ट्रा काट लेंगे ताकि हमारे अंदर छेद में भी घुस जाए। तो इस प्रकार से हम छोटी से टुकड़ा काटेंगे और इसको हम क्या करेंगे रेड कलर के जो हमारे लीड है इसमें डालेंगे, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग बना रहे हैं इसको रेड कलर। रेड कलर तो नहीं है दोस्तों, आपकी इच्छा हो तो आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे हम नीले को मेन वाइंडिंग बना रहे हो और ये जो हमारे हल्का सा ब्राउन है इसको रेड कलर बना रहे हैं, सॉरी इसको हम स्टार्टिंग बना रहे हैं। ज्वाइन कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे इसको स्लीव को इसको ऊपर चढ़ा देंगे और इसको हम खींच लेंगे ऊपर से। तो इस प्रकार से हम ये सारी लीडें कनेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग के दोनों वायर हमने इसमें ज्वाइंट कर दिए और स्टार्टिंग के वायर हमने ये निकाल लिए। अब हमारे जो ब्लू कलर के वायर बचे इनको हम दोनों मेन वाइंडिंग में जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे ऐसी टाई लेंगे और इसको हम
स्लॉट में से, स्लॉट में सॉरी छेद में से निकालेंगे, और जो हमारी जो हमने कनेक्शन की लीडें निकाली इनको लॉक कर देंगे। आप चाहो तो इसकी जगह धागा भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइयर नहीं है तो। और इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट लेते हैं। इस तरह से हमारी ये पंखा रिवाइंड होके कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अर्थवर्क चेक करके वार्निश दे देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको मल्टीमीटर से पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और इसका अर्थ चेक कर लेते हैं, फिर इसको वार्निश करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग मेन वाइंडिंग है तो इसको मेन वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। तो मेन वाइंडिंग का हमारा रेजिस्टेंस आया 29.291 यानी 291। और इसका स्टार्टिंग का चेक कर लेते, स्टार्टिंग का आया हमारा 0.194। तो इसका अर्थ चेक कर लेते, हमारी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग अर्थ नहीं है। और इसको मेन वाइंडिंग को भी बॉडी से अर्थ चेक कर लेते हैं, इसका मतलब सही है। तो एक बार हम इसको सीरीज से और चेक कर लेते हैं। ये हमारे सीरीज से, सीरीज को आपको यहाँ पर रोशनी दिखी होगी, तो ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग सही है। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। आपस में शॉर्ट चेक कर लेते हैं, यानी आपस में भी शॉर्ट नहीं बोल रही है ये। इसके बॉडी से भी हम अर्थ चेक कर लेते हैं एक बार सीरीज से। तो इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको वार्निश कर लेते हैं। तो वार्निश हम इसमें, अब हम इसको वार्निश कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। वार्निश आप इसमें अच्छी तरह से पिला ले ताकि आपके मोटर की यानी पंखे की लाइफ अच्छी रहेगी। और ये वार्निश की बोतल आपको इतनी बड़ी अगर मार्केट में न मिले तो आप 50 रुपए की छोटी बोतल भी ला सकते हो। और उसको अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम नहीं करते हो और आपका पंखा अगर आप घर पे बांधना चाहते हो तो आप ऐसी छोटी बोतल ला सकते हो। तो हम इसको अच्छी तरह से वार्निश कर लेते हैं, इधर से भी वार्निश कर लेते थोड़ी। वैसे तो जो हमने उधर डाली वो वार्निश इधर की साइड आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़े थोड़े डाल लेते हैं और भी। तो इस तरह से हमने ये वार्निश करके कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको घंटे भर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, फिर इसको पैक करना बताएंगे आपको। तो दोस्तों अब इसको 1 घंटे बाद अब इसको हम पैक कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें डाल के देख लेते हैं एक बार शीट में टाइट तो नहीं है। तो हमारा शीट में टाइट नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, जिस साइड से हमारा रिंग साइड है उधर से हम इसको स्लॉट में यानी इसके अंदर बिठा लेंगे रिंग। और फिर हम देख लेंगे ये फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर पहले ही अगर आपका फ्री नहीं घूम रहा है तो आपको पहले इसको चेक कर लेना, फिर आपको ऊपर वाला कवर बिठाना है। तो अब हम जैसे हमारा फ्री घूम चुका है तो अब इसको ऊपर वाला कवर बिठा लेते हैं एक बार। और इसको आप हल्की हल्की हथौड़ी की सहायता से ठोक के, ज़्यादा ज़ोर से ठोकोगे तो फिर ये क्रेक हो सकता है, क्योंकि ये एलुमिनियम की बॉडी आती है इसकी। तो हम इसको तीनों पेच को लगा लेते हैं और अच्छी तरह से इसको कसेंगे। और अच्छी तरह से कसते रहेंगे और इसको हम घुमा के भी देख लेंगे एक बार ये हमारा फ्री हुआ या नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें टाइट करते रहना है और घुमाते रहना है। तो इस प्रकार से हमारा है, तो अभी तक हमारा फ्री नहीं हुआ है, अब वो थोड़ा बहुत हुआ है। और अच्छी तरह से हम इसको हथौड़ी की सहायता से ठोकते रहेंगे ताकि ये फ्री हो जाए। तो इस प्रकार से ये पैक कर दिया और ये फ्री भी हो चुका है हमारा फैन। और अब इसको हम क्या करेंगे, बड़ी पेचकस की सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ये हमारे कनेक्शन सॉरी इसके बोल्ट या फिर स्क्रू लूज ना हो। तो इस प्रकार से हमने ये पैक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाले जो हमने वायर निकाले कनेक्शन के लिए उनको हम क्या करेंगे, एक कॉपर की तार की सहायता से नीचे से फंदी बना के निकाल लेंगे और इसको ऊपर से ऐसे खींचेंगे और इनको सारे को बाहर निकाल लेंगे। ध्यान दें यहाँ पर वायर बाहर निकालते वक्त वायर कट ना जाए, तो ये वायर इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमने ये सारे वायर बाहर निकाल लिए। अब इस पर हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो हमने ये कैपेसिटर लगा लिया, अब इसको हम एक बार अर्थ वगैरह चेक कर लेते हैं। अर्थ नहीं है हमारा पंखा तो सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन पॉइंट बना लेते हैं। तो एक हमारा स्टार्टिंग और एक हमारा मेन वाइंडिंग का हम दोनों को हम कॉमन पॉइंट बना लेते हैं न्यूट्रल के लिए। और एक हम ब्लू में लगा लेते हैं, एक रेड में लगा लेते हैं। जो हमारा ब्लू मेन वाइंडिंग है तो हम कॉमन और ब्लू पे लगाएंगे मेन वाइंडिंग पे। तो हमारा पंखा चल रहा है, यानी कि हमारे पंखा नीचे से देखने पर हमारा पंखा
एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पंखे की चाल का पता लगा सकते हो। तो हमारा पंखा सीधा चल रहा है, तो अब हम इसको कनेक्शन करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हम चालू करके आपको बताएंगे। तो पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने जहाँ पर जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग का वायर कनेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग का जो हमारे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ था, वो वायर कनेक्ट करेंगे, ताकि ये इसमें कोई सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें मेन में और कॉमन पॉइंट पे हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर सप्लाई के भी वायर लगा दिए, और इसको इसको हम डंडी को टाक लेते हैं, और अब इसको चालू करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये पंखा कंप्लीट कर लिया है, तो ये चालू भी हो गया। स्पीड भी अच्छी है, आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।